हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांस योर ब्यूटी एंड हेल्थ विद धनश्री। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ 7 अलग अलग प्रकार के हेल्दी चाय के बारे में, जिन्हें पी के आपको चाय पीने की खुशी भी मिलेगी और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो पहली चाय है ब्लैक टी। ब्लैक टी बहुत से लोग पसंद करते हैं पीना। दूध वाली जो चाय होती है उससे ब्लैक टी बेटर होती है। अगर आप मीठी ब्लैक टी पियेंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और स्ट्रेस से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। सेकेंड चाय है ग्रीन टी। ग्रीन टी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रीन टी पीने से हमारी त्वचा बेदाग और निखरी रहती है। सूरज की किरणों से हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है और जिन लोगों को वेट लॉस करना है उनके लिए भी ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। हमारी तीसरी चाय है लेमन ग्रास टी। लेमन ग्रास टी में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये चाय एंटी एजिंग होती है। अगर आपको कम एज में ही झुर्रियों की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लेमन ग्रास टी पियेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्द ही कम हो जाएंगी। चौथी चाय है लेमन टी। लेमन टी में नींबू या संतरे के छिलके और नींबू का रस डाला जाता है। ये चाय भी एंटी एजिंग होती है। इससे पीने से भी आपको स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो हमारी पांचवी चाय है मसाला चाय। मसाला चाय बहुत लोगों को पसंद होती है। मसाला चाय में तुलसी, अदरक, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, इतने सारे मसाले डाले जाते हैं। तो ये चाय हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती है। छठी चाय है कोरिएंडर टी। जी हाँ, धनिया चाय। इस चाय में चाय पत्ती और शुगर के साथ सौंफ, धनिया और जीरा भी डाला जाता है। जिन लोगों को गले की समस्या है या अपचन, गैस की समस्या है, उन लोगों के लिए ये चाय बहुत अच्छी है। तो हमारी सातवीं चाय है आइस टी। आइस टी वैसे तो गर्मियों में पीना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। आइस टी पीने से हमें ताजगी के साथ साथ बॉडी में एनर्जी भी मिलती है और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो ये थी टी लवर्स के लिए कुछ हेल्दी चाय। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कर देना लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।